हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर मार्केट जैसी फ्रूटी घर पे ही बनाएंगे। वैसे तो फ्रूटी बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर टिप्स के साथ बनाया जाए, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाया जाए, तो इसका टेस्ट तो मार्केट जैसा आता ही है। लेकिन आप इसको 6 महीने के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव को ऐड किए। तो है ना फ्रेंड्स ये मज़ेदार बात। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तब ऐसे नए वीडियोस आपके लिए लाने का हमारा हौसला भी बढ़ता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नए अपडेट्स जल्दी मिलते रहें। फ्रूटी बनाने के लिए हमें 2 पके हुए आम लेने हैं, और यहाँ पर मैंने एक कच्चा आम लिया। ये पूरा नहीं डालना है, कितना डालना है वो मैं आपको मेज़र करके बताऊँगी। 2 पके हुए आम हमने बादाम क्वालिटी के लिए हैं, और जो कच्चा आम है वो तोतापुरी आम लिया है। इसको हम पिल करेंगे और इनके हम टुकड़े कर लेंगे। 2 तरह के आम को पसंद करने से ही आपकी फ्रूटी का जो टेस्ट है वो मार्केट जैसा आएगा। तो यही 2 क्वालिटी के आम आपको पसंद करने हैं। यहाँ पर हमने ये देखिए टुकड़े कर लिए हैं, और ये जो पका हुआ आम है वो मीठा लेना है। आम पके हुए और मीठे होंगे तो शुगर कम यूज़ होगी और फ्रूटी का टेस्ट परफेक्ट आएगा। इसके बाद एक कुकर में हम 2 कप पके हुए आम के टुकड़े ऐड करेंगे, और आधा कप हम इसमें कच्चे आम के टुकड़े ऐड करेंगे। इसके बाद 1 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और अब हम इसमें आधा कप शुगर ऐड करेंगे। हमारे आम हैं वो पके हुए हैं, मीठे हैं, तो आधा कप शुगर जाएगी। अगर आपके पके हुए आम थोड़े खट्टे हों तो थोड़ी ज़्यादा शुगर भी जा सकती है। अभी हम यहाँ पर ढक्कन लगाएंगे और इसको 2 विसल लगवाने रखेंगे। कम से कम 2 विसल ज़रूर लगवाएं। 2 विसल लगते ही हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, और कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैं अभी हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, और इसे हमें अच्छे से स्मूथली ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से ग्राइंड करें ताकि आम का कोई भी टुकड़ा बाकी ना रहे। इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं, और अभी हम इसको छन्नी में छान लेंगे। वैसे तो हैंड ब्लेंडर से ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, लेकिन एक बार छानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आम का छोटा टुकड़ा भी रह गया होगा तो वो इसमें निकल जाएगा। अगर आपको हमारी ये फ्रूटी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं आपको हमारी ये फ्रूटी की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अभी ये फ्रूटी को हम कुकर में ऐड कर देंगे, और इसमें मैं 2.5 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 3.5 कप पानी ऐड किया है। यहाँ पर फ्रूटी की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। और अभी हम इसको गर्म करने रखेंगे, हमें इसको उबालना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फ्रूटी को एक बार टेस्ट कर लें। अगर आपको शुगर कम लग रही हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आपको शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पके हुए होंगे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसको गर्म करने रखेंगे। फ्रूटी को स्टोर करने के लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है कि पानी ऐड करने के बाद वापस से हम इसको उबालेंगे। अगर आप फ्रूटी को 6 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से उबालना बहुत ज़रूरी है। हम इसको 5 मिनट के लिए उबालेंगे। जब फ्रूटी में इस तरह से उबाल आना स्टार्ट हो, इसके बाद हमें इसको 5 मिनट के लिए उबालना है। और ये स्टेप आप करेंगे तो आपकी फ्रूटी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी का टेस्ट आएगा। और आप अगर सिर्फ पानी ऐड करके उसको सर्व कर देंगे तो उसका जो टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसे हमें अच्छे से 5 मिनट के लिए उबालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने फ्रूटी को 5 मिनट अच्छे से उबाल दिया है। गैस को बंद करेंगे और फ्रूटी को हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करने रखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने फ्रूटी को 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, और ये प्रॉपरली बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, और इसका जो टेस्ट है वो भी एकदम परफेक्ट आया है, एकदम मार्केट में मिलने वाली फ्रूटी जैसा ही आया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे। और सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर ये थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। वैसे तो बिना आइस क्यूब्स के भी आप फ्रूटी को
सर्व कर सकते हैं। ये ऑलरेडी ठंडी है, ज़्यादा चिल करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। इससे ज़्यादा आइस क्यूब्स ना ऐड करें वरना फ्रूटी है वो थोड़ी फीकी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ दो आम से कितनी सारी फ्रूटी बनाई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे, बड़े भी बहुत खुश होंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में लिख के बताएं आपको हमारी ये फ्रूटी की रेसिपी कैसी लगी। आप चाहो तो इस फ्रूटी को छोटी छोटी बोतल में भर के फ्रिज में रख दें और जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स में ले जा सकते हैं। बच्चे तो ऐसी छोटी बोतल्स देख के ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी बोतल में भी ये फ्रूटी कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। रेसिपी का रिव्यू हमें कॉमेंट में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहें।